Hello everyone, this is Isha from Yatha Real Estate. First time home buyer series में आज हम बात करेंगे pros and cons of buying and renting a home. Finding a place to live can be a difficult task. घर खरीदे या घर rent पर ले. While there are many things to consider before making a decision, buying and renting के अपने अपने pros and cons होते हैं. So let's see what are the pros and the cons. Pros of renting. Number 1. No EMI. जब आप घर रेंट पर लेते हैं तो आपको कोई भी होम लोन नहीं देना पड़ता. So there is no tension of making monthly EMI. Number 2. Lower liability. रेंट पे घर लेते वक्त आपको कोई भी फिक्स्ड कैपिटल अमाउंट या फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स नहीं देने पड़ते. Hence there is lower liability. Number 3. No property tax. प्रॉपर्टी टैक्स होम ओनर को देना पड़ता है, ना कि उन लोगों को जो रेंट पर रह रहे हैं. देर इज़ नो टेंशन ऑफ पेइंग प्रॉपर्टी टैक्स वाइल यू आर रेंटिंग अ होम. नंबर 4. नो डाउन पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड. घर रेंट पर लेते हुए आपको कोई भी बड़ी सेविंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. आपको कोई बड़ा अमाउंट एक बार में नहीं देना पड़ता एज अ डाउन पेमेंट. नंबर 5. ईजियर टू मूव और रिलोकेट. यू गेट मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम वाइल यू आर रेंटिंग अ होम. जब आप घर रेंट पर लेते हैं तो आपको मंथली रेंट पे करना पड़ता है एंड इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू मूव आउट. कॉन्स ऑफ रेंटिंग. नंबर 1. रेंट्स विल कीप राइजिंग. जब आप घर रेंट पर लेते हैं तो उसका कोई फिक्स मंथली अमाउंट नहीं होता एंड द लैंडलॉर्ड कैन इंक्रीज द रेंट एनी टाइम. नंबर 2. नो वेल्थ क्रिएशन. रेंट पर लिया हुआ घर कुछ वक्त के लिए आपका घर तो होता है, लेकिन इट नेवर बिकम्स योर एसेट एंड यू कैन नॉट बिल्ड इक्विटी इफ यू आर रेंटिंग अ प्रॉपर्टी. नंबर 3. नो टैक्स बेनिफिट्स. घर रेंट पर लेने से आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते. नंबर 4. लेस स्टेबिलिटी एंड मोर रूल्स. रेंटिंग अ हाउस कैन बी रिस्की समटाइम. कुछ केसेस में कभी कभी लैंडलॉर्ड्स आपको घर से निकाल सकते हैं अगर आपने कोई भी रूल ब्रेक किया हो तो. ऑल्सो रेंट किए हुए अपार्टमेंट में आप कोई भी चेंजेस बिना लैंडलॉर्ड के परमिशन के नहीं कर सकते. और कुछ केसेस में देयर आर पॉलिसीज लाइक नो पेट्स पॉलिसी. सो इफ यू आर अ पेट लवर देन रेंटिंग एन अपार्टमेंट इज नॉट द राइट चॉइस फॉर यू. अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बाइंग अ होम. प्रोज ऑफ बाइंग अ होम. नंबर 1. रेंटल इनकम. अगर आपका कोई दूसरा घर है तो आप उसे रेंट पे डाल के रेंटल इनकम अर्न कर सकते हैं. नंबर 2. टैक्स बेनिफिट्स. फर्स्ट टाइम होम बायर को सेक्शन 80C, सेक्शन 84 एंड सेक्शन 80EEA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है. नंबर 3. फोर सेविंग्स. व्हेन यू आर विलिंग टू बाय अ होम सो आपको उसकी डाउन पेमेंट के लिए सेविंग्स करनी पड़ती है ताकि आप अपने बजट एंड कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपनी पसंद का घर खरीद सकें. नंबर 4. स्टेबिलिटी. सिंस यू हैव योर ओन होम तो आपको कोई टेंशन नहीं होती टू मूव अगेन एंड अगेन. ओनिंग अ होम गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी एंड सेटलमेंट. नंबर 5. फ्रीडम ऑफ ओनिंग अ होम. आप फ्रीली अपने घर को डेकोरेट या रेनोवेट कर सकते हो सिंस यू आर द ओनर ऑफ योर हाउस. कॉन्स ऑफ बाइंग अ होम. नंबर 1. लॉट्स ऑफ कॉस्ट एंड चार्जेस. कभी कभी घर खरीदना घर रेंट करने से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एंड स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव दैट मच सैलरी एंड अ फैमिली टू लुक आफ्टर. नंबर 2. मंथली मेंटेनेंस. ओनिंग अ हाउस रिक्वायर्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको अपने घर का मेंटेनेंस एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद से करना होता है. नंबर 3. प्रॉपर्टी टैक्स. ऑल्दो आपको मंथली रेंट नहीं पे करना पड़ता बट बीइंग अ ओनर ऑफ योर होम आपको प्रॉपर्टी टैक्स हर साल पे करना पड़ता है. नंबर 4.
more responsibility. Since it is your home and you are the owner of your home, तो घर के maintenance and renovation की responsibility भी आपकी होती है. Number 5, monthly EMI. जब आप घर loan पर लेते हैं तो आपको loan with interest pay करना पड़ता है. And it feels like renting a home. क्योंकि monthly loan pay करना या monthly rent देना, it feels the same. I hope our video helps you and आप हर factors को ध्यान में रखते हुए decide कर सके कि आपको घर rent पे लेना है या you want to buy your own home. So do like, share and comment and don't forget to subscribe our channel. Thank you.